Hello everyone, in this video you will learn to create line chart using pyplot module of matplotlib library. A line chart or line graph is a type of chart which displays information as a series of data points. Line chart kis form mein information ko represent karta hai? In the form of data points, right? And these data points are called as markers, right? Now you can see in the picture ye kya hai, aapke markers hai aur you can say data points hai, okay? And these data points are connected with the help of the straight lines. Ye kiski help se connected hai? इनको कौन ज्वाइन करता है? स्ट्रेट लाइन इनको ज्वाइन करती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइन चार्ट, राइट? ओके. द पाइप्लॉट इंटरफेस ऑफर्स प्लॉट फंक्शन फॉर क्रिएटिंग अ लाइन ग्राफ. तो लाइन ग्राफ आप कैसे क्रिएट करते हो? बाय यूजिंग द प्लॉट फंक्शन ऑफ पाइप्लॉट मॉड्यूल, राइट? टू क्रिएट अ लाइन ग्राफ वी नीड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. और आपको लाइन ग्राफ क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, मींस एक्स सीक्वेंस चाहिए, एंड वाई सीक्वेंस का डेटा चाहिए, राइट? नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली. लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इम्पोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को, राइट? मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी, राइट? आपने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है. ओके, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक्स सिक्वेंस एंड वाई सिक्वेंस. तो हम लेते हैं एक्स सिक्वेंस के लिए डेट वेरिएबल को, और इसमें मैं ले लेती हूँ डेट्स, राइट? तो मैंने यहाँ पे ले लिया है डेट को 25/12, राइट? वन डेट. देन सेकंड ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वेरिएबल फॉर द वाई सीक्वेंस टेम्परेचर ले लेते हैं कि इस डेट पे टेम्परेचर क्या था. लेट अस सपोज मैंने ले लिया 20, 22 एंड 24. ओके, नाउ अब हमें क्या क्रिएट करना है? हमें लाइन ग्राफ क्रिएट करना है. तो हम क्या करेंगे? मैटप्लॉटलिब का प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, और उसमें एक्स एंड वाई सीक्वेंस को पास करेंगे. तो एक्स पे हमें चाहिए डेट, तो डेट को पास कर दो, एंड वाई पे हमें चाहिए टेम्परेचर, तो हमने टेम को पास कर दिया यहाँ पर, राइट? नाउ सिंपली आपको क्या करना है? अपने ग्राफ को शो कराना है. तो हम यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के शो फंक्शन, पाइप्लॉट मॉड्यूल के शो फंक्शन का यूज करेंगे, राइट? नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस. नाउ वी हैव गॉट आर लाइन प्लॉट हियर. देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने डेट दिया था, तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस आ गया है, एंड वाई एक्सिस पे आपका क्या आ गया? टेम्परेचर आ गया 20, ओके, एंड आपका क्या है 22, ओके, एंड 24, राइट? तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया यहाँ पे, राइट? नाउ वट वी विल डू, अब हम क्या करते हैं? अब हम देते हैं एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को नेम, राइट? तो उसके लिए हम यूज करेंगे पीएलटी डॉट एक्स लेवल. एक्स लेवल में हम दे देंगे डेट, राइट? एंड पीएलटी डॉट वाई लेवल, वाई लेवल पे हम दे देते हैं टेम्परेचर, राइट? एंड हम दे देते हैं अपने ग्राफ को टाइटल. ओके, तो इसको हमने दे दिया पीएलटी डॉट टाइटल. टाइटल में दे दो डेट वाइज टेम्परेचर, राइट? डेट वाइज टेम्परेचर, दिस इज आवर टाइटल. ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस. नाउ अब आप यहां पे देखो, आपका एक्स लेवल आ गया है डेट, वाई लेवल आ गया आपका टेम्परेचर, ओके, एंड आपका चार्ट का, आपके ग्राफ का टाइटल आ गया डेट वाइज टेम्परेचर, ओके. अब यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे? आप यहाँ पे एक पैरामीटर पास करोगे फॉन्ट साइज का, राइट? इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, और मैं फॉन्ट साइज कर देती हूँ यहाँ पे 15 ले लेते हैं फॉन्ट साइज. इसी को कॉपी करके हम इसके अंदर पास कर देते हैं. And here, okay. Now इसको execute करते हैं. Now you can see यहाँ पे आप देखो date का भी font size increase हो गया है, आपका y level जो temperature है उसका भी font size increase हो गया, और आपका title का भी font size increase हो गया, right?
अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चार्ट में ग्रिड लेंथ भी शो करो, राइट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ग्रिड फंक्शन का यूज करोगे, plt.grid ग्रिड, ओके, एंड उसमें आप पास करोगे ट्रू, राइट, ओके. नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस. नाउ लुक एट द पिक्चर, क्या है, आपकी ग्रिड लाइंस भी आ गई हैं, ओके. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं ये चाहती हूं, पहले हम फिगर को देखते हैं. देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखो ये डिफॉल्ट टिक्स आए हुए हैं. टिक्स क्या होते हैं, ये जो लाइंस बनी हुई है इनको टिक्स बोलते हैं, राइट. ये डिफॉल्ट टिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट. बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे वहीं पर टिक्स आए जहां पे आपकी वैल्यूज है, ओके. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर, नॉट पैरामीटर, हम यहाँ पे वाई टिक्स फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है. अगर आपको एक्स पे टिक्स अपने टिक्स लगाने हैं तो आप एक्स टिक्स फंक्शन का यूज करते हो. अगर आपको वाई एक्सिस पे टिक्स यूज करने हैं, ओके, तो आप वाई टिक्स का यूज करते हो. तो मैं यहाँ पे वाई टिक्स का यूज कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ जहां पे टेम्परेचर है, जो मैंने टेम्परेचर दिया है वहीं पे टिक्स पॉइंट्स आए, राइट, ओके. मींस कहाँ कहाँ आए, हमारा टेम्परेचर था 22, ओके, एंड सी 20, 22 एंड 24, ओके. तो मैंने यहाँ पे वाई टिक्स दे दिया है, फंक्शन plt.yticks, उसमें टेम्परेचर को पास कर दिया है, ओके. एग्जीक्यूट दिस. Now look at the picture. अब आपके पास सिर्फ आपकी values point पे ही ticks आए हैं, 20, 22 and 24. ऐसे ही आप x axis पे अगर आपको ticks लगाने हैं तो आप क्या करोगे, plt.xticks, और आप अपना जो भी आप ticks use करना चाहते हो वो उसके अंदर sequence pass कर दोगे, okay? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा line graph का default color है वो क्या है, blue, right? And I want to change this color. आपको क्या करना है, अपने ग्राफ का, अपने प्लॉट का कलर चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, प्लॉट फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करोगे कलर, राइट. और कलर के अंदर जो भी आप कलर देना चाहते हो, राइट, आप क्या कर सकते हो, आप करेक्टर कोड्स में भी दे सकते हो और कलर नेम्स में भी कलर को दे सकते हो, राइट. तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करती हूँ, जो भी कलर देना है उसका मैं यहाँ पे दे देती हूँ, कलर इक्वल्स टू आर, तो आर स्टैंड फॉर रेड, ओके. तो आप यहाँ पे देखेंगे अब आपका लाइन क्या हो चुका है, रेड कलर का हो चुका है, राइट. आपकी लाइन ग्राफ रेड कलर की हो चुकी है, ओके. नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज लाइन विड्थ, ओके. बाय डिफॉल्ट आपकी क्या होती है, 1 pixel की आपकी लाइन आती है, राइट. और यहां से हम क्या कर सकते हैं, लाइन विड्थ से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसकी विड्थ, ओके. और किस में डिफाइन होती है, पिक्सल्स में आती है आपकी, राइट, ओके. नाउ तो हमारी 1 pixel की बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, लाइन की विड्थ है, राइट. तो वी विल चेंज इट, आप इसको चेंज कर सकते हो. यहाँ पे मैं दे देती हूँ लाइन विड्थ एट्रीब्यूट को, और यू कैन से लाइन विड्थ पैरामीटर को, और मैं इसमें दे देती हूँ लेट अस सपोज 8 pixel, राइट. लाइन विड्थ आपने क्या दे दिया है, 8 pixel, ओके. एग्जीक्यूट करते हैं इसको, सी लाइन की विड्थ आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, फाइन. नाउ we can also set the line style of a line chart using the line style parameter, okay. तो यहाँ पे तो हमने line width इसकी क्या किया, change की है, ठीक है. default आपकी 1 pixel थी, आप क्या कर सकते हो, आप अपने line का, अपने line graph का style भी change कर सकते हो, okay. उसके लिए आप कौन सा parameter pass करोगे, उसके लिए आप pass करोगे line style parameter, fine. line style, तो मैं let us suppose यहाँ पे दे देती हूँ line style dotted, ओके. मैंने लाइन स्टाइल डॉटेड दे दिया है, आप डैश दे सकते हो, डैश डॉट दे सकते हो, सॉलिड, राइट. तो यहाँ पे देखो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखो अब आपका लाइन का स्टाइल क्या हो गया है, आपका लाइन ग्राफ डॉटेड फॉर्म में आ गया है, फाइन. जब आप लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हो, राइट, अगर आप मार्कर्स को स्पेसिफाई नहीं करते हो, मार्कर टाइप आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो मार्कर्स विजिबल नहीं होते हैं, राइट. तो अगर आपको मार्कर्स को शो करना है, राइट, डेटा पॉइंट्स को शो करना है, तो आपको यहाँ पे मार्कर स्पेसिफाई करना होगा, राइट, मार्कर का टाइप स्पेसिफाई करना होगा. तो ये हम पैरामीटर्स कर चुके हैं, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट, ये पैरामीटर्स मैंने हटा दिया है, ओके. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मार्कर्स को स्पेसिफाई करेंगे, ओके. वी विल सी मार्कर्स, राइट. तो यहाँ पे मैंने इसको कलर को भी, कलर पैरामीटर आप समझ चुके हो, राइट. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लेंगे मार्कर, फाइन. लाइन विथ ले लेते हैं जिससे थोड़ा बड़ा आएगा, लाइन विथ पैरामीटर हम ले लेते हैं, लाइन विथ हम ले लेते हैं यहाँ पर 10, ओके. नेक्स्ट, ओके, मार्कर
पैरामीटर आप पास करोगे ओके एंड आप यहाँ पे सिंबल दोगे जैसा मार्कर आप चाहते हो कि वो डिस्प्ले करे। फाइन, मैंने यहाँ पे दे दिया बी। ओके, मार्कर का आप साइज डिफाइन कर सकते हो। मार्कर का साइज मैं दे देती हूँ, मार्कर का साइज मैंने दे दिया यहाँ पे 15, राइट? ओके, मार्कर साइज इज 15। तो जो आपने 15 दिया है वो क्या है, 15 पॉइंट्स है, राइट? तो यहाँ पे हमने मार्कर का, आपने मार्कर का सिंबल दे दिया है ओके, एंड आपने मार्कर का साइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है 15, राइट? दिस इज योर मार्कर साइज एंड दिस इज योर मार्कर। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट। सी, अब देखो यहाँ पे मार्कर्स में आपने क्या किया है, मार्कर एच कलर नहीं दिया, तो मार्कर क्या क्लियरली विजिबल नहीं है। ओके, डेटा पॉइंट्स आपके क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि वो किसमें मर्ज हो गए, वो लाइन की, लाइन का ही डिफॉल्ट कलर उसमें आया है, ब्लू कलर आया है। मैं चाहती हूँ मेरा मार्कर क्लियरली विजिबल हो, तो उसके लिए आप कौन सा पैरामीटर पास करेंगे, उसके लिए आप पैरामीटर पास करेंगे मार्कर एच कलर, राइट? तो आप यहाँ पे मार्कर एच कलर को पास करेंगे ओके, और मैं चाहती हूँ जो मार्कर का एज बन जाए किस कलर से, रेड कलर से बन जाए, सो दैट इट कैन बी क्लियरली विजिबल टू अस। ओके, एग्जीक्यूट दिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपका मार्कर क्लियरली विजिबल है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल की फॉर्म में, ये आपका मार्कर है, ये आपके डेटा पॉइंट्स है, राइट? ये आपको ट्रायंगल की फॉर्म में विजिबल है यहाँ पर, राइट? ओके, ओके, अगर आप अपने फिगर में ओके मल्टीपल प्लॉट्स चाहते हैं, मल्टीपल लाइंस चाहते हैं ओके, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स प्लॉट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, राइट? इफ यू वांट टू प्लॉट मल्टीपल लाइंस इन वन चार्ट, एक चार्ट के अंदर आप मल्टीपल लाइन ग्राफ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उतनी बार ही प्लॉट फंक्शन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट? तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ कैसे। अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं ओके, एक ग्राफ के अंदर आप टू, एक फिगर के अंदर आप टू लाइन ग्राफ्स को ड्रॉ करोगे, राइट? ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरी को, ओके, हमने इंपोर्ट कर लिया इसको। अब सिंपल ले लेते हैं हम एक्स सीक्वेंस, एक्स सीक्वेंस लेट अस सपोज मैं ले लिया 1, 2 एंड 3, दिस इज माय एक्स सीक्वेंस ओके। नेक्स्ट आपका वाई सीक्वेंस, वाई सीक्वेंस में आपने ले लिया 5, 7, 4, राइट? ओके, नाउ पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। प्लॉट फंक्शन के अंदर आपने सिंपल इसको पास कर दिया एक्स सीक्वेंस को एंड वाई सीक्वेंस को, और इसको, इस जो आपका लाइन है इसको हम लेवल दे देते हैं, इसको हमने लेवल दे दिया है फर्स्ट लाइन, राइट? फर्स्ट लाइन, दिस इज द लेवल, ओके। अब सेकेंड जो आपको ग्राफ बनाना है उसके लिए आप अगेन क्या लोगे, एक्स सीक्वेंस, एक्स सीक्वेंस लेट अस सपोज मैंने एक्स टू वेरिएबल में ले लिया आपका अगेन 1, 2 एंड 3, क्योंकि एक्स एक्सिस दोनों का सेम होगा। फाइन, यहाँ पे हम क्या डिफरेंट करेंगे, यहाँ पे हम वाई एक्सिस अलग अलग करेंगे लेकिन एक्स एक्सिस दोनों का क्या है, सेम है, राइट? और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया 10, 11, 14 लेट अस सपोज, राइट? ओके, नाउ अब सेकेंड ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। सेकेंड ग्राफ को आपने एक्स टू को पास कर दिया, वाई टू को पास कर दिया, फाइन, एंड इसको हम लेबल दे देते हैं, इस लाइन को हम लेबल दे देते हैं सेकेंड लाइन, ओके। अब आप क्या करना है, आप दे दो लेबल एक्स लेबल, वाई लेवल एंड टाइटल। तो हम एक्स लेवल दे देते हैं इसको, एक्स लेवल हमने दे दिया एक्स सीक्वेंस, ओके। फॉन्ट साइज इसका देते हैं, फॉन्ट साइज हमने इसका दे दिया 15, राइट? देन पीएलटी डॉट वाई लेवल, वाई लेवल में आप दे दो वाई सीक्वेंस, वाई सीक्वेंस ओके, एंड आप अपना पैरामीटर इसमें पास कर दो फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज का भी हम दे देते हैं 15, राइट?
ओके नाउ वी विल गिव द टाइटल. टाइटल आपका हो गया पीएलटी डॉट टाइटल. इसमें हम दे देते हैं मल्टीपल प्लॉट्स, राइट. टाइटल हम दे देते हैं मल्टीपल प्लॉट्स. ओके राइट. अब देखो आपने लेबल्स दिए, यहाँ पे लेबल्स दिया है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन. तो आपके लेबल्स कब आएंगे, जब आप क्या किसका यूज करोगे, लेसन फंक्शन का यूज करोगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीएलटी डॉट लेसन फंक्शन का यूज करेंगे, राइट. पीएलटी डॉट लेसन एंड देन पीएलटी डॉट शो, जिससे आपका ग्राफ क्या होगा, शो होगा. फाइन, नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस. नाउ लुक एट द पिक्चर, हमारे पास टू लाइन प्लॉट्स यहाँ पर आ गए हैं. फर्स्ट लाइन आपकी जो फर्स्ट ग्राफ है वो आपका क्या है, ब्लू कलर का है, दिस वन. ओके, एंड सेकंड ग्राफ आपका क्या है, आपका ये सेकंड ग्राफ आपका ऑरेंज कलर का है, राइट. बाय डिफॉल्ट ही कलर्स आए हैं. ओके फाइन, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मल्टीपल प्लॉट्स को क्रिएट किया है. ओके Now, if you want to display multiple charts in the same window, मतलब एक window के अंदर, एक figure के अंदर अगर आप multiple charts को display करना चाहते हो, तो आप क्या use करोगे, आप सब plot function का use करोगे, right? तो अभी हम इसको करके देखते हैं. यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ दो chart side by side मुझे create करना है एक figure के अंदर. Fine, तो मैं यहाँ पे पहले heading दे देती हूँ. Okay, I'll give the heading. Draw टू प्लॉट्स साइड बाय साइड. ओके, मुझे साइड बाय साइड टू प्लॉट्स को क्रिएट करना है विद इन वन फिगर, एक फिगर के अंदर. फाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट प्लॉटलिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे. पाई प्लॉट एज पी एल टी. ओके ओके, यहाँ पे हमें एरे क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, नमपाई लाइब्रेरी को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं. इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी. फाइन ओके. नाउ अब आप क्या करोगे, आप क्रिएट कर रहे हो प्लॉट वन. ये मेरा प्लॉट वन है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया एन पी डॉट एरे, राइट. ओके, तो ये numpy लाइब्रेरी का एरे फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ओके, और इस फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज. तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये एरे हम एज अ सीक्वेंस यूज करेंगे, एज अ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट. तो हमने एक्स एक्सिस की सिक्वेंस ले ली है एरे की फॉर्म में. अब हम लेंगे, आप सिंपल भी सीक्वेंस ले सकते हो. अगर आपको एरे नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल भी 0, 1, 2, 3 ले सकते हो, राइट. ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया वैल्यूज 3, 8, 1 एंड 10, राइट. फाइन, तो मेरे पास एक्स एक्सिस एक्स सीक्वेंस आ गई है एंड वाई सीक्वेंस आ गई है. तो अब मुझे सब प्लॉट्स क्रिएट करने हैं, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, सब प्लॉट का. सब प्लॉट, राइट, पी एल टी डॉट सब प्लॉट. ओके, मैंने किया 1, 2 एंड 1. ओके, 1, 2 एंड 1, राइट. अब यहां पे देखो, जो मैंने 1 लिखा है, 1 क्या है, नंबर ऑफ रोज, 1 रो 2 कॉलम्स. और जो ये वाला ग्राफ है क्या है, मेरा फर्स्ट ग्राफ है. समझ आया, जो मैंने पैरामीटर्स पास किए, जो फर्स्ट वन है, इसका मतलब है क्या, नंबर ऑफ रोज. तो इस जो मेरी फिगर होगी, जो मेरी फिगर आएगी, राइट, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज क्या होगी, 1, लेकिन कॉलम्स क्या होंगे, 2, राइट, कॉलम्स होंगे 2. ओके, और जो ये वाला जो ग्राफ आएगा वो मेरा क्या है, फर्स्ट ग्राफ है. इसके अंदर वो मेरा फर्स्ट ग्राफ बनेगा, राइट. नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं. पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स एंड वाई, आपने पास कर दिया सीक्वेंस को. ओके, नाउ हमारा सेकंड प्लॉट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, साइड बाय साइड टू प्लॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे ये मेरा सेकंड प्लॉट हो गया. अब सेकंड प्लॉट के भी मुझे क्या लेने हैं, एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस लेने हैं. तो अगेन मैं क्या कर रही हूँ, नमपाई का एरे फंक्शन यूज कर रही हूँ, राइट. एरे फंक्शन में आपने पास कर दिया 0, 1, 2 एंड 3, राइट. एंड आपने नेक्स्ट पास कर दिया
ओके अब देखो एक्स सिक्वेंस हमने दोनों में सेम लिए, बट डजेंट मैटर, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं क्योंकि प्लॉट्स तो हमारे अलग अलग ही होंगे, राइट। यहाँ पे मैंने ले लिया 10, 20, 30 and 40 इसका वाई सिक्वेंस, फाइन, ओके। नाउ आपको अब क्या करना है, सेकेंड प्लॉट को आपको प्लॉट करना है, तो आपने plt.subplot, सब प्लॉट फंक्शन का हम यूज करेंगे, सब प्लॉट, सब प्लॉट में आप पास करोगे 1, 2 and 2, राइट। अब यहाँ पे 1, 2, 2 का क्या मीनिंग है, यहाँ पे 1 का मीनिंग है 1 रो, राइट, ओके, 1 रो, फाइन। और 2 का मीनिंग क्या है आपका, सेकेंड ग्राफ, सॉरी 1 का मीनिंग है आपका 1 रो, 2 का मीनिंग है आपका 2 कॉलम्स, राइट, एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम, राइट, ओके। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपका फर्स्ट कॉलम ये वाला ग्राफ क्रिएट करेगा, प्लॉट 1 ये आपका फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगा, ओके, और ये वाला आपका आएगा सेकंड कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे इसका हो गया 1 का मीनिंग 1 रो एंड 2 का मीनिंग 2 कॉलम्स एंड 2 स्टैंड्स फॉर द सेकंड ग्राफ, राइट, ओके। सो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है इसको प्लॉट, तो हम plt.plot फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे एक्स एंड वाई सिक्वेंस को, फाइन, एंड देन यू विल डू plt.show फंक्शन, राइट, ओके। नाउ एग्जीक्यूट दिस, नाउ लुक एट द फिगर, ये देखो आपका एक फिगर के अंदर क्या आ गया, 2 ग्राफ्स बन के आ गए हैं, राइट, साइड बाय साइड आपके 2 ग्राफ्स 1 फिगर के अंदर बन के आ गए, ओके। नाउ यहाँ पे अगर आपको अपने ग्राफ को क्या देना है, आपको अपने ग्राफ को टाइटल देना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने ग्राफ को टाइटल भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपने फर्स्ट ग्राफ को टाइटल दे दिया plt.title, और टाइटल आप दे दो यहाँ पे सेल्स, ये मैंने फर्स्ट ग्राफ को टाइटल दे दिया, राइट। अब मैं अपने सेकंड ग्राफ को भी टाइटल देती हूँ plt.title, और इसको मैंने टाइटल दे दिया इनकम, राइट, ओके। एंड अब मुझे क्या करना है, पूरी अपनी फिगर को देना है, जो मेरी कंप्लीट फिगर है उसको टाइटल देना है, राइट, सुपर टाइटल देना है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब टाइटल फंक्शन का यूज करना है, ओके। तो आप यूज करो plt.sub टाइटल, ओके, एंड यहाँ पे आप टाइटल दे दोगे, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया, क्या आप दे दो इसको माय ऑफिस आपने टाइटल इसको दे दिया, फाइन, ओके। तो हमने क्या दिया है, अपने प्लॉट्स को दे दिया है और जो कंप्लीट फिगर है उसको दे दिया है, फाइन। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नाउ लुक एट दिस, आपके क्या आ गए, यहाँ पे आपके प्लॉट्स के टाइटल्स आ गए, सेल्स आ गए आपका, यहाँ पे इनकम आ गया एंड माय ऑफिस आपका आ गया, राइट। तो आपने यहाँ पे अपने प्लॉट्स को भी दे दिया है और आपने कंप्लीट फिगर को भी क्या दिया है, आपने टाइटल दे दिया, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, इसी प्लॉट्स को जो हमने साइड बाय साइड क्रिएट किए हैं उसको क्या करते हैं, हम एक के ऊपर एक को, मतलब ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर हम इसको प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग चेंज कर देती हूँ, इसी में चेंजेस कर लेते हैं, सिंपल, टू ड्रॉ 2 प्लॉट्स, ओके, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, राइट, एक दूसरे के ऊपर, फाइन। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमारे पास एक्स सीक्वेंस है, वाई सीक्वेंस है, राइट। हमें सिर्फ सब प्लॉट फंक्शन में चेंज करना है, हमें सब प्लॉट फंक्शन में क्या चेंज करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए नंबर ऑफ रोज 2, ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, ओके, और ये मेरा फर्स्ट प्लॉट होगा, राइट। कैसे, नंबर ऑफ रोज आपकी यहाँ पे क्या हो, 2 हो, नंबर ऑफ रोज आपकी यहाँ पे 2 हो, यहाँ जहाँ फर्स्ट रो में आपका फर्स्ट ग्राफ प्लॉट आ जाए, सेकंड रो में आपका सेकंड प्लॉट आ जाए, फाइन, और नंबर ऑफ कॉलम आपका क्या है, 1 है, फाइन, ओके, और ये वाला आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट प्लॉट है, फाइन, ओके। मैंने सिंपल सा एक चेंज किया यहाँ पर, ओके, एंड सेकंड में भी हमें सिर्फ क्या करना है, सब प्लॉट फंक्शन में ही चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने सब प्लॉट फंक्शन में इसको फिर से कर दिया, नंबर ऑफ रोज 2, ओके, नंबर ऑफ कॉलम आपका हो गया 1, और ये ग्राफ आपका क्या है, सेकंड ग्राफ है, फाइन, ओके। इसको एग्जीक्यूट कर दो, नाउ
लुक एट द पिक्चर. अब आपका क्या हुआ है, आपका एक ये क्या है, एक प्लॉट दूसरे प्लॉट के टॉप पे आ गया है, राइट. ओके, हमने सिर्फ किस में चेंज किया था, हमने सिर्फ ये जो आपके सब प्लॉट के पैरामीटर्स थे, जो फर्स्ट सब प्लॉट में आपने वैल्यूज पास की थी, उसको हमने चेंज किया है. फाइन, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करके आपने इसको क्या किया, क्रिएट किया है. फाइन, तो अब यहाँ पे देखो ग्राफ क्या है, ऊपर नीचे आपके ग्राफ्स आ गए हैं. ओके, ऐसे आप मल्टीपल प्लॉट्स को ड्रॉ कर सकते हो, राइट. तो मैं मान लो अगर आपको 6 प्लॉट्स यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 6 प्लॉट्स ले लेती हूँ. ओके, और आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको 6 प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं. फाइन, तो यहाँ पे देखो मेरा प्लॉट 1 ये है, और इसमें यहाँ पे मैंने वैल्यू दे रखी है. ओके, राइट. फाइन, नाउ अब यहाँ पे जो सब प्लॉट्स की वैल्यू है उसमें मैं चेंज कर देती हूँ. यहाँ पे मुझे चाहिए 2 रोज चाहिए, ओके, एंड 3 कॉलम्स चाहिए. और ये मेरा क्या है, फर्स्ट प्लॉट है. 2 रोज, नाउ लुक एट दिस, 2 रोज 3 कॉलम्स एंड दिस इज माय फर्स्ट प्लॉट, राइट. एक्स वाई, ये मेरा फर्स्ट प्लॉट हो गया, राइट. अब यहां से मैं टाइटल हटा देती हूँ. ओके, और ये मेरा प्लॉट 2 हो गया. प्लॉट 2 में भी आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. फाइन, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और ये आपका सेकेंड ग्राफ हो गया. फाइन, ये आपका क्या हो गया, सेकंड ग्राफ हो गया. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड ये आपका सेकंड ग्राफ हो गया. ऐसे क्या करते हैं, हम इन ग्राफ्स को ही कॉपी कर लेते हैं, इनका ही वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं. देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी. फाइन, और इसको मैंने हेडिंग दे दी है, यहाँ पर हेडिंग दे दो आप इसको, हैश प्लॉट 3. ओके, एंड कंट्रोल वी. पूरा कॉपी नहीं हुआ है, इसको हम पूरा कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है. सिंपली आपको यहाँ से डेटा कॉपी करना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी. दिस इज माय थर्ड प्लॉट. ओके ओके, नेक्स्ट आप ले लो प्लॉट 4. ओके, प्लॉट 4 का डेटा हम यहाँ से, अच्छा ये मेरा कौन सा प्लॉट है, थर्ड, तो मैं इसको कर दूंगी थर्ड प्लॉट, राइट. देखो ये मेरा फर्स्ट प्लॉट है, ये मेरा सेकंड प्लॉट है. ओके, ये मेरा थर्ड प्लॉट है, और सब में हमने क्या दिया है, कॉमन दिया है 3 रोज, ओके, एंड 2 कॉलम्स. नो, हमने यहाँ पे दिया है 2 रोज ले लेंगे एंड 3 कॉलम्स ले लेंगे, 2 रोज ले लेंगे एंड 3 कॉलम्स ले लेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड हेयर ऑल्सो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और ये मेरा प्लॉट क्या है, 3. फाइन, ओके. नाउ मेरे को आपका फोर्थ प्लॉट चाहिए, इसका डेटा मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ. ओके, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल बी, ठीक है. तो यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स, और ये मेरा प्लॉट कौन सा है, 4. फाइन, ये मेरा प्लॉट है 4. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे प्लॉट 5 अपना, प्लॉट 5, राइट. और कोई भी आप इसमें डेटा ले लो, कोई भी प्लॉट हम ले लेते हैं. लेट सपोज हमने ले लिया ये वाला प्लॉट 2. ओके, कंट्रोल वी, ठीक है. और ये हमारा प्लॉट कौन सा है, ये हमारा 5 है, प्लॉट 5 है. ओके, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स के अंदर ये आपका प्लॉट 5 है. ओके, एंड लास्ट हमारा क्या है, प्लॉट 6, प्लॉट 6, राइट. प्लॉट 6 का डेटा आप यहां से ले लो, प्लॉट 6 हमारा ये बन जाएगा. लेट अस सपोज ये हमारा प्लॉट 6 बन जाएगा. ओके, कंट्रोल वी. तो हम सेम फिगर के अंदर बना रहे हैं अपने प्लॉट्स, ये हमारा प्लॉट 6 हो गया. फाइन, तो हमने यहाँ पे 6 प्लॉट्स ले लिए हैं. फाइन, अब यहाँ से मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. ये आपका देखो 2 रोज आपकी कैसी बनेंगी, आपके 2 रोज बनेंगी, राइट, लाइक दिस, एंड आपके 3 कॉलम्स बनेंगे, राइट, 3 कॉलम्स. और इसके अंदर आपके क्या बनेंगे, 6 प्लॉट्स बनेंगे. फाइन, ये आपके 6 प्लॉट्स यहाँ पर क्रिएट होंगे. ओके, यहाँ पे आपके 1, 2, 3, 4, 5
एंड 6 लाइक दिस. ओके तो अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे. ओके तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट को कर देते हैं प्रेस. अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आया है, एक फिगर के अंदर आपने 6 प्लॉट्स को क्रिएट किया है. ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, राइट. आपके 6 प्लॉट्स आ गए हैं वन फिगर के अंदर, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लाइन ग्राफ को कंप्लीट किया है. ओके नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक.